नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा के गैरसपुर में 18 कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज करने के निर्देश। अनुभाग गैरसपुर SDM ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। SDM ने 18 कॉलोनियों पर FIR के निर्देश दिए हैं, जिसमें गैरसपुर की 5, हैदरगढ़ में 2 एवं गुलाबगंज में 11 अवैध कॉलोनियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए हैं। कॉलोनाइजरों शासन की गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर ऐसे 18 कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। SDM ने कहा कि आगे बेकारवाही जारी रहेगी। SDM ने बताया कि ऐसी कॉलोनियां जो कि पारिवारिक संपत्ति हैं या खेती के खेत हैं, ऐसी जमीनों पर बगैर शासन के अनुमति के प्लाटिंग की जा रही है। उक्त कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। इसमें अभी 25 और कॉलोनियों की जांच की जा रही है, उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ग्यारसपुर संवाददाता अनिश खान मंसूरी की रिपोर्ट। ग्यारसपुर अनुभाग में जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत वास्तव में जो कॉलोनाइजर अधिनियम बना हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों ने प्लाट कृषि भूमि को बिना कॉलोनाइजर अनुमति के छोटे छोटे भूखंड करके विक्रय करना, उन पर बिना सुविधाओं के जो उनके कॉलोनाइजर अधिनियम में बिना सुविधाओं के सड़क बिजली पानी या उनकी जो बुनियादी चीज़ें उनका अभाव रहते हुए बेतहदीब ढंग से कृषि भूमि को प्लाट बेची थी। कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें सर्वे करवाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें सर्वे कराया गया तो इसमें हमारे ग्यारसपुर अनुभाग में हैदरगढ़, ग्यारसपुर, अटारी खेड़ा और गुलाबगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 43 ऐसे कॉलोनाइजर के अधिनियम में अवैध पाए गए, जिनके द्वारा विधि इसकी विधिवत उसमें जांच संक्षिप्त जांच हुई, उनको नोटिस भी जारी किया गया। इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 थानों में, गुलाबगंज में, ग्यारसपुर में और हैदरगढ़ थाने में कुल 18 FIR के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया है और उनको संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं। शेष 25 ऐसे कॉलोनी का परीक्षण किया जा रहा है, जो भी शीघ्र भेज दिए जाएंगे। सर, इसमें शासकीय भूमि भी हो सकती है संभवतः? सर, अभी तक निजी भूमि ही संज्ञान में आई है। यदि शासकीय भूमि संज्ञान में आती है तो उसके विरुद्ध दूसरे विधि संगत कार्रवाई उसमें भी की जाएगी। तो सर, ऐसी कॉलोनी पर किस तरह की कार्रवाई आगामी में की जाएगी? उसमें जो पंचायत अधिनियम में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के प्रावधान है और जुर्माना करने के प्रावधान है, तो उस पर हम लोग विधिवत प्रस्तावित कर दिया है और कार्रवाई आदेश पारित कर दिए। सर, जिन लोगों को अभी उस जमीन में से प्लाट आदि बेच दिए गए, विक्रय कर दिए गए हैं, इस संबंध में विधि का परीक्षण किया जाएगा और उसमें जो भी कानून विधि संगत कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी।